हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट में एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिल रहा है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए डिफरेंट कैटेगरी में, जिसमें परमानेंट जॉब भी है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में भी आपका रिक्रूटमेंट होगा। सैलरी पैकेज बहुत ही अट्रैक्टिव है, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं इस एडवर्टाइजमेंट को, तो एंड तक जरूर देखना, आपका जो क्वेरीज है वो सब मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर में। तो पहले हम कर लेते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पहले आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो ए है, ठीक है। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखाऊंगा वो क्या है, ओपनिंग डेट है 7 जुलाई 2022 एंड क्लोजिंग डेट है 28 जुलाई 2022। ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेट अगर छूट जाएगा तो आप इस रिक्रूटमेंट को मिस कर जाओगे, ठीक है। अब आते हैं जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। देखिए, पहले आपको दिखा लेता हूँ इधर में, ये जो कॉलम है इधर में देखिए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला है, ठीक है। तो परमानेंट एम्प्लॉय के अंडर में जो जो वैकेंसी आया है वो पहले आपको दिखाऊंगा। देखिए, इंजिन टेक्नीशियन S1 ग्रेड, रेफर जॉब डिस्क्रिप्शन एनेक्स्टर नंबर 1। एंड देखिए, इस जॉब के लिए आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा GRAC रांची यूनिट में। एंड देखिए, इसमें जो एज लिमिट के बारे में पूछा है 28 ईयर, सैलरी पैकेज है 23,800। एंड देखिए, आपका 3% इंक्रीमेंट भी इधर में मेंशन हुआ है। जो जो वैकेंसी आया है मैकेनिकल के लिए 5 वैकेंसी, सेगमेंटल वैकेंसी इधर में देखने को मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में क्या पूछा है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बारे में जो बोला है, तो क्या है, 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। एंड CGPA तो में हो, अगर आपका मार्कशीट है तो 55% है तो चलेगा, ठीक है। एंड देखिए, इधर में आपका जो एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ जॉब उसके बारे में देखिए कुछ नहीं पूछा है, इधर में बोला है नील। एंड देखिए, कैंडिडेट का शुड हैव वर्क नॉलेज एंड स्किल इन इंजीनियरिंग और वर्कशॉप प्रैक्टिस, तो ये अगर है तो आपका वो डिजायरेबल है, लेकिन कोई मैंडेटरी कुछ नहीं बोला इधर में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए कितना वैकेंसी आया है, 3 वैकेंसी आया है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CGPA में है अगर आपका मार्क्स तो 55%, ठीक है। एंड देखिए, इधर में जो दूसरा जो क्राइटेरिया है वो सेम है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे है ऐसा ही है। नेक्स्ट आते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में आपका रिक्रूटमेंट होगा तो ऑन फिक्स टर्म 3 ईयर्स एंड ये एक्सटेंडेबल हो सकता है 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। एंड देखिए, इधर में जो आपका जो सैलरी पैकेज है वो सेम ही है एंड एज क्राइटेरिया भी सेम है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 9 वैकेंसी निकल के आया है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर परमानेंट, देखिए परमानेंट जॉब में जैसे ये पूछा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वैसा ही है। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स और CGPA में है तो 55% है तो चलेगा। नेक्स्ट आते हैं फिक्स टर्म में जो दूसरा जो वैकेंसी आया है इलेक्ट्रिकल के लिए, देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसी निकल के आया है एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के लिए भी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है OBC वाले कैंडिडेट के लिए। सिविल इंजीनियरिंग से अब डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप आते हैं फ्रेंड्स डिजाइन असिस्टेंट इसी पोस्ट के लिए, ठीक है। देखिए, डिजाइन असिस्टेंट S1 ग्रेड में, ठीक है, इसमें भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आपका रिक्रूटमेंट होगा। मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए है 6 वैकेंसी एंड सिविल के लिए है 3 वैकेंसी। तो आप जब अप्लाई करोगे उस टाइम आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप पहले ठीक से देख लेना, ठीक है। एंड देखिए, एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या बोला है, आपका जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसी में जो रूल्स है उसमें भी आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि OBC के लिए 3 ईयर्स, SC के लिए 5 ईयर्स, ठीक है, एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, आपका अगर मैकेनिकल जो पोस्ट है उसमें अगर अप्लाई कर रहा है तो आपका मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऐसा अगर आपका ट्रेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के लिए सिविल, सिविल एंड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल, ठीक है, तो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैकेनिकल अगर आपका नहीं है
लेकिन आपका दूसरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स से आप देख लेना। उसके बाद आते हैं, देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में क्या बोला है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट कैंडिडेट में पोस्टेड इन एनी यूनिट्स ऑफिस एटसेट्रा ऑफ द कंपनी। तो आपका ऑल ओवर इंडिया में जिधर में गार्डन शिप बिल्डर्स का यूनिट है उसमें आपका पोस्टिंग हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं पैटर्न ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन। तो रिटर्न एग्जामिनेशन कैसे होगा, देखिए पार्ट ए एंड पार्ट टू, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। पार्ट ए में क्या रहेगा, 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, डेटा एनालिसिस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, एंड टोटल आपका 20 मार्क्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट बी में आपका क्या क्वेश्चन रहेगा, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। आप जिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आप है तो उसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आप सिविल में से है तो सिविल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड आपका इधर में 80 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका जो क्वेश्चन होगा 100, ठीक है, 100 मार्क्स आपका एग्जामिनेशन होगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट आपका टू आवर्स रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 2 आवर्स में आपका 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स इधर में एक इंटरेस्टिंग बात ये है, आपका अगर हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर डिप्लोमा इंजीनियर के बाद बीटेक इंजीनियर किया है, ठीक है, तो आप बीटेक इंजीनियर क्वालिफिकेशन अगर अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए इधर में नोट पॉइंट में आपको दिखने को मिलेगा, कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन हायर देन द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंडिकेट इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नीड नॉट टू अप्लाई। कैंडिडेचर ऑफ सच एप्लीकेंट्स हु पोजेसेस क्वालिफिकेशन हायर देन द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो आपका अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर मेंशन हुआ है, ठीक है। जीआरईसी की ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए क्लियर मेंशन हुआ है, आप ये चेक कर लेना फॉर्म फिलअप के टाइम में। एंड देखिए फ्रेंड्स आप एक से बढ़कर पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, थीके? आप एक पोस्ट में ही अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो जितना सारा पोस्ट है आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप मिल रहा है तो आपका जो क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इधर में वन कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन वन कैटेगरी पोस्टेड S1 ABC एंड D इफ मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप एक पोस्ट में भी अप्लाई करने का बात नहीं है, आपका अगर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए आपका जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट में, ठीक है। एंड देखिए पहले आपको बता दिया हो कि आपका जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई है, वो आपको याद रखना है। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो 400 रुपीस है, ठीक है, एंड ये 400 रुपीस आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एंड चालान में भी आप अप्लाई पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका सैलरी स्केल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए आपका पोस्ट के अगेंस्ट में आपका जो सैलरी है, देखिए DA HRA 35%, ठीक है, एंड बेसिक पे CPA परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ठीक है, ऐसा कुछ अलाउंस मिला के आपका जो CTC हो सकता है, ठीक है। सुपरवाइजर S1 गेट के लिए आपका 6.78 लाख, ठीक है, इंजीनियरिंग टेक्नीशियन S1 गेट के लिए 6.78, सुपरवाइजर S1 ऑन फिक्स टर्म जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस उसके लिए 6.41 लाख, एंड डिजाइन असिस्टेंट के लिए आपका 6.41 लाख। तो काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है, जो पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है। एंड देखिए रिटेन टेस्ट टेंटेटिवली आपका जो होगा हेल्थ, ठीक है, तो अगस्त में हो सकता है, टेंटेटिव फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में हो सकता है आपका रिटेन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, ठीक है, एंड फॉर्म फिलअप का देखिए आपका दोबारा आपको मेंशन करूंगा, आपका जो स्टार्टिंग डेट रजिस्ट्रेशन का है वो 7 जुलाई, एंड जो क्लोजिंग डेट है वो 28 जुलाई, एंड अगस्त में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। तो आप डे वन से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ये मौका हाथ से नहीं जाने दीजिए, ठीक है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे आपको अपडेट वीडियो मिलते रहे ना आप। एंड देखिए फ्रेंड्स आपका अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप क्या काम कीजिए, आपका जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, उसमें आप जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।